हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सेविया की एक ऐसी रेसिपी जो विदाउट दूध के बन जाएगी। बिल्कुल नूडल्स मैगीज वाला टेस्ट आएगा इसका। आप देख सकते हैं, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये हमारा आता है सेविया का पैकेट, ऐसा सेविया का पैकेट आता है हमारा, और इसको हमने फाड़ के इसके अंदर डाला है और अभी हम इसको भून रहे हैं, अभी हम इसे फ्राई कर रहे हैं, अभी हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, ये बना रहे हैं मेरी मम्मा एंड ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, शी सेज, एंड आप भी इसे ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये बन रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सेविया जो है भुन चुका है। हमने इसके अंदर पहले से भुन रहे थे हम इस कढ़ाई में, अब हमने इसको क्या किया है कि इसको एक डिफरेंट प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, और अब मैं आपको कुछ अपना मटेरियल दिखाऊंगी जो हमने इसको बनाने के लिए रेडी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बनाया है ये मटेरियल जो हम उस सेविया की डिश में डालेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले ये मिर्ची ले ली है, बीच में से काट के हमने लंबा लंबा काटा है इसको, आप देख सकते हैं ये है मिर्ची हमारी। और ये हमने प्याज लिया है, उसकी हमने लेयर्स को सेपरेट कर लिया है, और हमने शिमला मिर्च लिया है, उसको हमने ऐसा काट लिया है, थोड़ा थिक ही रखना है हमें इसे क्यूब्स में। और ये है नॉर्मल प्याज, हमने काट लिया लंबा लंबा नॉर्मल, एंड कुछ कढ़ी पत्ता। अब हम इसकी डिश बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ भुने हुए मूंगफली भी लेकर आए हैं अपने सेविया में ऐड करने के लिए, इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। कच्चे मूंगफली हैं ये हमारे मटेरियल के साथ, एंड हमने कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा तेल। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं मूंगफली, अब हम इसको स्टिर करेंगे। अब ये मिक्स हो रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये भुनना स्टार्ट हो गया है, और देखिए तेल भी गर्म अच्छे से हो गया है, ये भुन रहा है। अभी हम इसको गोल्डनिश कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भुन चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे इसका तेल पूरा सीव करके। देखिए हम इसे एक बाउल में डाल रहे हैं, इस तरीके से हम इसको जो है सीव कर रहे हैं। देखिए ये पूरा टेस्टी लग रहा है, मैं अभी आपको जूम करके ये मूंगफली बाउल में दिखाऊंगी, एंड इट्स फ्रेग्रेंस इज क्वाइट डायनामाइट। तो देखिए मैगी मसाला हम बाद में ऐड करेंगे फ्रेंड्स, फ्राई करेंगे। देखिए जो हमने भुने हुए सेविया भुना था वो अब हम डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे, देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब स्टेज में हम इसमें डालेंगे जो हमने क्यूब्स निकाले थे अनियन। देखिए फ्रेंड, ये धीरे धीरे इसने पानी को डिजोल्व कर लिया है, एंड इस स्टेज में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये भुने हुए मूंगफली एंड मैगी मसाला। अगेन इसको हम फिर से स्टिर करेंगे अच्छे से। फाइनली ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, ये देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, आप भी जरूर ट्राई कीजिए।